हेलो हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम। आज हम लोग एक टूर प्लान किए हैं। ये लोकल टूर ही है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ये लवकुश का जन्म स्थान है, श्री वाल्मीकि मुनि का आश्रम है। जगह का नाम है तुरतुरिया। जगह का नाम तुरतुरिया इसलिए पड़ा है क्योंकि वह एक नदी बहता है, तो तब के ज़माने में तुरतुर सब में नदी बहता था, इसलिए जगह का नाम हो गया तुरतुरिया। अभी हम लोग जस्ट निकलने ही वाले हैं, देखते हैं जगह कैसा है। वहाँ पर एक वाटरफॉल है, एक गुफा है, बहुत सारा प्राचीन मंदिर है, तो फिर मिलते हैं वहीं पर। काट के निकाल भी देता हूँ, काटता भी है, काटता भी है, झाड़ता भी है।
हम लोग बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट और तुरतुरिया जाने के लिए हम लोग आए थे, लेकिन क्या है, तुरतुरिया का 6 किलोमीटर पहले एक फाटक में हम लोग, ये देखिए यहाँ पर जो प्रभारी है, जो गेट कीपर, उसके पास ना कोई अथॉरिटी है ना कोई मानो बात करने के लिए राजी है, तो ये तानाशाही चल रहा है। तो मैं यहाँ का कांग्रेस गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ कि ऐसे तानाशाही नहीं चलने वाला है, अगर आपके पास कोई अथॉरिटी है तो ऑथोराइजेशन लेटर दीजिए, कुछ भी दीजिए, ऐसे तानाशाही मत कीजिए। हम लोग कोई बाहर से आया नहीं है, देश का आदमी, आप कैसे रोक सकते हैं? ये तो हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन है। अरे भाई, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं और ये उठ जाए उसको तो पकड़ो, क्योंकि ये लॉकडाउन का तो कोई यहाँ पर प्रबंध है ही नहीं, फिर भी कैसे रोक सकता है पता नहीं। तो मैं आग्रह करूंगा यहाँ का कांग्रेस गवर्नमेंट को कि आप इसको संज्ञान लीजिए और जितना जल्दी है इसका अगेंस्ट में जो प्रभारी है लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ये जगह अभी पूरा अनटच्ड है, लॉकडाउन जब से लगा है तब से जगह खोला ही नहीं है। हम लोग की पहला है कि जो लड़ झगड़ के अंदर आए, तो आप देख के सोच सकते हैं रास्ता इतना खराब है और जंगल ऐसा लग रहा है अनटच्ड, और इसका एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही होता है अनटच्ड जगह में। देखिए यहाँ पर गांव वाला सब खाली, गांव वाला यहाँ आना अलाउड है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन जंगल देखिए, जंगल के अंदर पहाड़, इसका रोमांच ही कुछ अलग है, एकदम नेचुरल पहाड़ है और बहुत दुर्गम रास्ता। तो आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए हैं। हाँ, ये आश्रम देखिए, अभी ये सोच के रोमांच होता है, देखिए ये जंगल ही जंगल है, तो हम लोग ये पवित्र जगह में आज यहाँ पर सीता जी रहा होगा, लव कुश का जन्म हुआ होगा, यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ है, वाल्मीकि मुनि का आश्रम भी यहीं पर है। तो धीरे धीरे हम लोग आएंगे इस जगह को, पता नहीं सब घूम पाएंगे नहीं यहाँ पर, ये तो बंद करके रखे लॉकडाउन के बाद, हम लोग तो बहुत फाइट करके अंदर आए हैं, होप हम लोग सब देख पाए। क्या नहीं जाने दे रहे? चक्रवर्ती जी महाराज जब सुने आवाज, जिसकी दशरथ पुत्र जन्म सुने, काना कान में आवाज आई, अरे ब्रह्मानंद में डूब सुनते सुब देते मंगल। महर्षि वाल्मीकि आश्रम तप भूमि, बहुत पावन जगह है। यहाँ पर एक पानी का उत्सव है जहाँ एक मूर्ति का मुंह से हमेशा पानी निकलते रहते हैं। कोई चहल पहल नहीं है, खाली गांव वाला यहाँ पर आते हैं। ये देखिए क्या बोल रहे हैं, पहाड़ के ऊपर ही मजा आएगा। ये देखिए ये है, मैं तो आप लोग को बोला ना, यहाँ देखिए ये पावन धारा हमेशा चलते रहता है, ये 24 hours 365 days, कितना शुद्ध पानी। अभी हम लोग मंदिर प्रांगण में जाएंगे, देखिए ये पावन धारा हमेशा चलते रहता है, ये 24 hours 365 days, कितना शुद्ध पानी। अभी हम लोग मंदिर प्रांगण में जाएंगे। तुम तो ब्लॉग बना ही रहोगे ना? हाँ, देखिए कितना प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। सही मालूम देख लग रहा है, मेरे को दूर से देखा तो। यहाँ क्या है?
ये देखिए लव कुश जी, यही जन्म हुआ था। हाँ सोचने में भी हम लोग रोमांचित हो रहे हैं, कहीं पर लव कुश जी का जन्म हुआ था। देखिए कितना पवित्र जगह, शांत स्निग्ध जंगल उसी में बसा हुआ। देखिए वाल्मीकि मुनि और ये लव और कुश। देखिए पानी को खाली देखिए, एकदम पवित्र एकदम निर्मल। छोटा सा नाला हम लोग क्रॉस करके जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि अभी गौमुख का दर्शन करके हम लोग जा रहे हैं। वाल्मीकि मुनि आश्रम से 1 किलोमीटर दूर में ले रहा हूँ, मैं वीडियो कर रहा हूँ। वाल्मीकि मुनि का आश्रम विजिट करके अभी हम लोग जा रहे हैं 1 किलोमीटर पहाड़ का ऊपर, थोड़ा सा ट्रेकिंग करना पड़ेगा, फिर हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पर, शेर गुफा है वहाँ, ट्रैकिंग करके फिर पहुँचेंगे। देखिए क्या नज़ारा है, वाह एकदम अनएक्सप्लोर, कोई नहीं है, डोंट वरी। सो वी कैन प्राउडली से वी आर द फर्स्ट यूट्यूबर, वी आर एक्सप्लोरिंग आफ्टर लॉकडाउन तुरतुरिया। देखिए यहाँ पे यानी कि यही आश्रम है जी, ऊपर में ऊपर आश्रम जी सर। आज ये जो बना है वो वाल्मीकि आश्रम, उनको बोलने दें, आप बताइए कैसे ये जगह कैसे हुआ। मोहन रमणीक है सर। अच्छा जी, तो यहाँ पर लव कुश कितना साल तक रहा? अभी भी है उसका मूर्ति, मूर्ति है मतलब लव कुश। जन्म के बाद कितने सालों तक लोग यहाँ रहे थे, मतलब अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा यहीं पकड़े थे जी सर, यहीं इसी के नाम से यहाँ अरण्य वन यानी कि इसी नाम से जाने जाते हैं। ये अरण्य को क्या बोलते हैं? अरण्य वन। अरण्य वन जी। ओके ओके, थोड़ा सा जंगल में ये डिस्कवरी वाला शॉट भी मैं ले रहा हूँ। देखिए चीटी, लाल चीटी, कितना लाल चीटी मिलके, ये बहुत डेंजरस है, एक बार काटेगा तो एकदम जला देगा। एक बड़ा काला चीटी को लेके जा रहा है। देखिए कितना जगह आ रही है, ये पूरा पिकनिक का जबरदस्त, लेकिन यहाँ पर कोई आ ही नहीं पाया। देखिए देखिए वाओ, कण कण में रोमांच फैला हुआ है। हम लोग ये ऐसा पवित्र जगह में पहुंच गया जहाँ से रामायण जुड़ा हुआ है। दिस इज द हिडन जेम, हम लोग बहुत एक्सप्लोर किया अभी छत्तीसगढ़ को, इसको हिडन जेम कहेंगे। और ये टिल्ला से 70 किलोमीटर दूर, छत्तीसगढ़ आपका रायपुर से 120 किलोमीटर दूर होगा। अभी 4:15 टाइम हो रहा है, लेकिन लग रहा है कितना अंधेरा हो गया है, पहाड़ है ना इस पर अंधेरा ज़्यादा होता है। अरिंदम सुनो, दौड़ के अपन चढ़ेंगे वहाँ वाला, चला जा चल चल हट। देखिए हम लोग पहाड़ में चढ़ रहे हैं, यहाँ चढ़ के हम लोग ऊपर में जाएंगे, ऊपर में गुफा गुफा आ रहा है। बंदा लोग मेरा सांस का आवाज आ रहा है, हाँ ये मेरा सांस का आवाज है, हवा नहीं मेरा सांस का आवाज है। हाँ पेट निकल के सांस का आवाज आएगा ना भाई। हाँ भाई देखो दादा का पूरा पेट अंदर हो जाएगा। दादा बोला दिन में एक बार चढ़ के जाएगा, ड्यूटी यहीं लगाए यहीं बैठ कर। अभी हम लोग जा रहे हैं नेटवर्क भी नहीं है, शेर वाला गुफा में थक गया, हाइट है, हम लोग तो वैष्णो देवी भी चढ़ा है। हाँ देखिए सीढ़ी, देखिए सीढ़ी का भरमार है, बाप रे। झूठ नहीं बोलेंगे मित्र,
लेकिन हम लोग थक गए सीढ़ी पे सीढ़ी। ये देखो, हाँ हाँ अच्छा, देखिए हम लोग पहाड़ पे चढ़ते जा रहे हैं। पूरी पहाड़ बहुत ऊंचा है, हम लोग तो थक गए, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे। ये देखो दादा भी बैठ गया, अभी बहुत सीढ़ी बाकी है, बहुत कोई बैठ गया। एक्चुअली खाना खाने के बाद ये चढ़ना उतना इजी भी नहीं है। हाँ झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये चढ़ना खाने के बाद बहुत डिफिकल्ट है। हम लोग जस्ट खाना खा के चढ़ रहे, देखिए पसीना पसीना हो गया। अभी इतना सीढ़ी चढ़ के हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। अभी हम लोग तो पहुंच गए, लेकिन थोड़ा उम्र दराज जो आदमी है उन लोग के लिए चेतावनी है कि ज़्यादा उम्र जो है उन्हें अवॉइड करें, इतना ऊपर आने की कोशिश मत करें। अब देखिए क्या नज़ारा है, वाव। देखिए ये नज़ारा आपको देख लीजिए क्या नज़ारा है भाई, देख लो ये नज़ारा है घाटी का। हो अच्छा है, ज़्यादा ये टच नहीं, अनटच अनटच जगह ही रहना चाहिए, ऐसा जगह रामायण से जुड़ा हुआ। मैं एक YouTube चैनल से हूँ, आप थोड़ा ये जगह के बारे में बताइए ताकि बाकी सबको भी पता चले ये जगह का महत्व है। यह जब राम भगवान है ना सीता माता त्याग करी ना तो यही जगह लान के छोड़े हैं, लाख उसका जन्म भूमि है। वो तो हम लोग नीचे देख लिया, तो ये तो पहाड़ का ऊपर है। हाँ, तो यहाँ पर क्या समाधि लिया है, सीता जी का समाधि कहाँ पर है? अब यही जगह बताते गुरुदेव, देखे तो नहीं यार। अच्छा सीता जी यहीं पर समाधि लिए थे, लवकुश का यहीं पर जन्म हुआ। हाँ। तो फिर लवकुश कहाँ गया फिर? लवकुश तो मूर्ति है ना गुरुदेव, नीचे में कुटिया है उसका। हाँ वो तो मैं देखा हूँ, वो तो मैं देख लिया हूँ। नहीं गया है वो, लवकुश जी का मूर्ति मैं देख लिया हूँ। भले मूर्ति देखा है, बाकी वहाँ जन्म हुआ है उसका मूर्ति है, सीता माता का मूर्ति है, वहाँ अखंड जोत जल रहा है। वो जो गोमुख है ना, गोमुख नहीं नहीं वहाँ वो नहीं क्या? यहाँ ये मेरे ना थोड़ा पानी टंकी मिली थी ना। अच्छा हाँ, उधर एक कुटिया है वहाँ, वो पुजारी रहते हैं उन्हें। वो कहाँ पर है ये दीदी? करा यहाँ से सीढ़ी से नीचे उतरेगा ना पानी टंकी पड़ेगा। हाँ वो कर कुटिया है वहाँ, पुजारी वहाँ खुद रहते हैं। अच्छा ओके, वहीं पर जन्म हुआ है। हाँ तो यहाँ पर महाकाली जी का मूर्ति कहाँ कब से प्रतिष्ठित है? अब बोला तो हमारे यहाँ का तो जानकारी नहीं है गुरुदेव। अच्छा पहाड़ तो आप लोग बहुत भी चढ़ा होगे, लेकिन यहाँ पर आके जो प्रसन्नता होगा हाँ सर वो विश्वास पे आधारित है। हाँ, तो शेरवाला गुफा में हम लोग जाएंगे अभी। तो अभी हम लोग जहाँ चढ़ चुके हैं, देखिए पीछे का नज़ारा देखिए, अभी फिर हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले। हम लोग फॉसिल का बात करते हैं, ये क्या, ये तो फॉसिल ही है, एक टाइम में यहाँ पर रोजगार होता हुआ करता था। अभी बताइए मॉल खोल दिया है, सिनेमा हॉल भी 50% में खोल दिया है, बस भी चल रहा है, तो ये लोग का क्या कसूर है गरीब आदमी? देखिए सब बंद है। बंदर ने राम सेतु बनाया था यहाँ पर विकास जी ने, हम लोग का जूता जूता ने खोलने का किसी का मूड नहीं है।
तो हम लोग को बिना जूता खोले इसको क्रॉस करना है, तो क्या करना है, पत्थर फेंकना है। विकास जी लगे रहो, एकदम पत्थर फेंकिए, जूता नहीं खोलना है, जूता नहीं खोलना है, बिना जूता खोले हम लोग को क्रॉस करना है। कहाँ हो गया, बिना जूता खोले हम लोग आज क्रॉस करेंगे, ये हम लोग का चैलेंज है। हाँ मेरा जूता हल्का भीग गया ऑलरेडी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। रुको यार। नहीं टारगेट अजीब तो हो गया, लेकिन जूता भीग गया है। हम लोग बंदर नहीं है, ना कि राम सेतु बनाया है, ये देख लीजिए जूता भीग गया है। यहाँ जूता भीग गया, लेकिन हम लोग बिना जूता खोले पास हो गए। बिना जूता खोले पास हो गया, लेकिन जूता भीग गया, हम लोग का टारगेट नहीं था। सिंपल। अभी बच्चों का जूता में पीक पाक लगा रहता है, हम लोग का जूता ऐसे आवाज कर रहे हैं पीक पाक, बिना कोई मसी लगा है। हमारा टारगेट था जूता नहीं खोले। हां जूता भीगने में टारगेट नहीं। चल ठीक है, एक एक गाड़ी बैठ जाए। वहाँ पर पुलिस वाले गलोकते हैं। अच्छा तो वो दू जन लगी बैठार के तुम्हारे हम गाड़ी भेजे थे की तीन जन पैदल की सब। हाँ जी थोड़ा सा मंत्र बोलना चाहते हैं, तो बाबा जी को थोड़ा मंत्र बोलिए आप। हरि ओम भूभुवः स्वः श्री साम शिवाय सिद्धेश्वरनाथाय नमः। पुण्यश्लोको नलो राजा, पुण्यश्लोको जनार्दन, पुण्यश्लोका च वैदेही, पुण्यश्लोको युधिष्ठिरा, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, हनुमाश्च विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तश्चिरञ्जीविना, मार्कण्डे मुखाश्रमम् जीवेद वर्ष शतम्, सामग्रम् ऋत्विवर्जितम्, कर्कोटकस्य नागस्य, दमयन्ता नलस्य च, ऋतुपर्णस्य राजर्षे, कीर्तनम् कलिनासनम्, प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यास तुक सौनक भीष्मदाचानरु पाण्डधानुज वसिष्ठ भीष्मादिनाम पुण्यानि माम परम भगवतान नमामि। वाराणस्यामि स्थितो महाकाल भैरव स्वयं, अनेक जन्म कृतम् पापम् स्मरणेन विनश्यति, तस्य स्मरण मात्रेन संसार भयनाशनम्। वाराणस्याम पूर्व भागे व्यास नारायणो स्वयं, तस्य स्मरण मात्रेन अज्ञानी ज्ञानवान भवेत्। वाराणस्याम पश्चिमे भागे भीमचंडी महासती, तस्य स्मरण मात्रेन सर्वदा विजयी भवेत्। वाराणस्याम उत्तरे भागे सुमंतु राम वैद्विज, तस्य स्मरण मात्रेन निर्धनो धनवानं भवेत्। वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मण, तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्न सुस्वप्नो भवेत्। कपिला कालयो नन्तो वासुकी तक्षप कक्षप तथा पञ्चतानि स्मर्तो नित्यं, विष बाधा न जायते। सोमनाथो वैद्यनाथो धन्वंतरी धास्विनो, पञ्चतानि स्मर्तो नित्यं, व्याधि तस्य न जायते। उमा उषा च वैदेही रमा गंगेति पञ्चकम्, प्रात संध्या स्मरे नित्यं, सौभाग्यं वर्धते सदा। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी, पांच कन्याम स्मरे नित्यं, महापाप विनाशनम्। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथ नाथाय सीतायां पतये नमः। राम लक्ष्मणो सीता च सुग्रीवो हनुमानः कपि, पञ्चतानि स्मर्तो नित्यं, महाबाधा प्रमुच्यते। हरं हरिं हरिश्चंद्रं हनुमन्तं हलायुधं, पञ्चतानि स्मर्तो नित्यं, घोरसङ्कटनाशनम्। ओं श्री सीतारामाभ्यां नमः, ओं श्री हनुमते नमः। हर हर हर। बन्दौ बालरूप सोयरामु, सब सिद्धि सुफल जपत दिशि नामु, जनक सुता जगजननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, माता गरदाई की जय। जय वाल्मीकि आश्रम की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। लव कुश की जय। लव कुश की जय। जय श्री रामचंद्र। जय जय श्री रामचंद्र की जय। इससे हर 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 महादेव। इससे 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 अच्छा
मेरा प्रोग्राम का समाप्त नहीं हो सकता था। बहुत 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 आपका आभारी है, धन्यवाद। कृपा है प्रभु। हाँ धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मेरे सर पे रहे। ओम नमो नारायण, ओम ओम, धन्यवाद। भगवान की जय।